स्पाइन सर्जरी का रिस्क क्या है? मेरे पड़ोस के चाचा ने सर्जरी करवाई थी एंड वो पलंग पे हैं अभी, तो क्या स्पाइन सर्जरी से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं और इसके चांसेस क्या हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जितेश मंगवानी। आई एम अ कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन एंड रोबोटिक स्पाइन सर्जन इन इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली। सो स्पाइन एक बहुत डेलिकेट चीज़ है, वहाँ से नसें निकलती हैं, नसें हमारे हाथों पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो इसके लिए जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, हमें करना होता है सेफ स्पाइन सर्जरी, हमें सेफ्टी बढ़ानी होती है। तो जब हम सेफ्टी बढ़ाते हैं, उससे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इस सेफ्टी के बिना हम कोई सर्जरी हैं तो उससे ये होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और तब भी ऐसे दिक्कतें होने की संभावना होती है। तो किस तरीके से हम इसके चांसेस कम करते हैं? हम कुछ स्पेशल मशीन्स यूज करते हैं हमारे हॉस्पिटल में जिससे कि चांसेस कम हो जाते हैं, एंड उसी से हम कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि मरीज अगले दिन से ही उठ के चलता फिरता है। पहली मशीन जो है वो है न्यूरो मॉनिटरिंग। ऑपरेशन के दौरान अगर सरल भाषा में समझाने चाहूं, हम शरीर के अंदर करंट छोड़ते हैं जो हम लेते रहते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि शरीर की मूवमेंट हाथों पैरों की ठीक है ड्यूरिंग दी सर्जरी, ताकि ऑपरेशन से कोई भी अनटोवर्ड चीज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर के हो जाएं। दूसरी चीज है ओआम नेविगेशन। हम लोग ऑन टेबल सीटी स्कैन लेके रियल टाइम में देखते हैं कि ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है, जिससे कि ये चीजें होने की संभावना कम हो जाती है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी, रोबोट को यूज करके ऑपरेशन करने से हमारी एक्यूरेसी प्रिसिशन और बढ़ते जाता है, जिससे कि ये चीजें होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तभी हम लोग हमारे पेशेंट्स को जनरली ऑपरेशन से दूसरे दिन से ही उठा के चलाना फिराना चालू कर देते हैं। डिस्चार्ज होने तक वो बिना सपोर्ट के मेजॉरिटी पेशेंट्स चलते हैं एंड अपने रोज के सारे काम खुद से कर सकते हैं। स्पाइन सर्जरी से कोई जनरली जान को धोखा नहीं होता, जब तक कि आपके खुद के शरीर के अंदर आपको कोई हार्ट लंग लिवर के प्रॉब्लम हो, एंड स्पाइन सर्जरी से मरीज पलंग पे पड़ जाता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। थैंक यू।